हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। ऑल इंडिया परमानेंट वैकेंसी ऑफिसर्स की वैकेंसी है। विज्ञापन जारी किया गया है IRDAI की तरफ से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी, सैलरी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। इसमें जो है कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और भी कई पोस्ट हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो भी आप पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। सैलरी जो है इसमें आपकी 1,46,000, साथ में बहुत सारे अलाउंसेज भी मिलेंगे। बेसिक पे आपकी 44,500 रहने वाली है। 20 सितंबर तक जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें जो है अलग अलग स्ट्रीम में वैकेंसी है। जर्नलिस्ट का जो पद है इसमें 24 वैकेंसी हैं, जिसमें एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 60% मार्क्स के साथ में आपने स्नातक की डिग्री हासिल की हो। रिसर्च के अंतर्गत जो है 5 वैकेंसी हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, 60% मार्क्स के साथ में। ठीक है, बस इतना ही चाहिए। IT के लिए भी कोई भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 हैं। यहाँ पर देखें, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है। साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास कंप्यूटर में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60% मार्क्स के साथ में डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में 60% वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। IT वाले अप्लाई तो करेंगे ही, ठीक है। और बैचलर डिग्री आपकी जो है कंप्यूटर साइंस में, सभी में 60% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। लॉ स्ट्रीम के अंतर्गत जो है केवल बैचलर डिग्री आपकी लॉ में 60% मार्क्स के साथ में। फाइनेंस के लिए जो 5 वैकेंसी हैं, तो इसमें ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ में, और साथ में जो है ACA या AICWA या ACMA या ACS या CFA। एक्चुरियल की 5 वैकेंसी हैं, इसमें ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ में और 7 पेपर आपके पास होने चाहिए IAI के, ठीक है, एज पर 2019 करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास ये डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो आप जर्नलिस्ट के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम जो है असिस्टेंट मैनेजर, ये ऑफिसर ग्रेड का पद है। सैलरी आपको बता ही दी, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगी नोटिफिकेशन में ही। और लास्ट डेट जो है 20 सितंबर 2024 है, आप आवेदन करें। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 21 पद हैं, EWS के 4 पद हैं, OBC के 12 हैं, SC के 8 हैं, ST के 4 हैं, और यानी टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 49 है। और यहाँ पर देखें स्टार और हैशटैग लगा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। पे स्केल की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छी जो है इसमें सैलरी आपकी बनने वाली है। बेसिक पे आपकी 44,500 रहेगी। बहुत सारे जो हैं सरकारी भत्ते शामिल होंगे, हाउस अलावेंसेज हैं, क्वालिफिकेशन सिटी, ठीक है, ग्रेड अलावेंसेज हैं, डियरनेस अलावेंसेज हैं, बहुत सारे अगर शामिल होंगे। अभी इसमें लिखा है एट प्रेजेंट इनिशियली मंथली जो आपकी इनकम है असिस्टेंट मैनेजर की 1,46,000, ठीक है। और इसमें जो है जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे न्यू पेंशन स्कीम के तहत, यहाँ पर पेंशन की सुविधा भी रहने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से बनाए जाएंगे तो आप देखें, तो इसमें आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, जैसे राजस्थान में जयपुर, सीकर, कोटा है, पंजाब में मोहाली, जालंधर है,
ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहने वाले हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस आपको बता ही दी है। पूरा जो है पीडीएफ फाइल सबसे पहले पढ़ना है, अगर आप आवेदन करेंगे। SC ST PWD तो कर ही दें, अगर आपकी एज है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उस पोस्ट के लिए तो कर ही दें। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आएं, IRDAI.government.in, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको व्हाट्स न्यू में बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे। आपको क्या करना है, ये व्यू ऑल पर क्लिक करना है। अभी तक जितने भी नोटिस, जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा नोटिफिकेशन जो है सहायक प्रबंधक भर्ती 2024 अधिसूचना आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, लिंक आपको मिलेगा, सभी वीडियोस का मिलता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।